मतलब मैं ये कहता हूं लोगों से कि लोग हमसे कहते हैं कि अरब में जाए तो ये मिलता है, अमेरिका में जाए तो ग्रीन कार्ड मिलता है। मैं कहता हूं कि अगर आप इंडिया में आपकी पैदाइश होती है तो आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो। जो सिराज भाई है हमारे बीच में, फूड के बारे में बात रखेंगे, उनका भी काफी योगदान है फूड के बारे में और उन्होंने भी काफी स्टडी है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। मेरे दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि राशन की परिस्थिति अपने देश की क्या है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस को कुछ लोग एक राशन की तंजीम के तौर पे भी जानते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में हमने जो काम किया वो राशन की लड़ाई लड़ी है, ये आप लोगों को पता है। और आप में से ज्यादातर लोग वो हो जिन्होंने राशन की कंप्लेंट की है और अपने अधिकारों को पाया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे बहुत कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है, फिर भी मैं हल्की फुल्की बातें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। हम लोग जानते हैं कि पहले महाराष्ट्र में 3 किस्म के राशन कार्ड बनते थे। पहला बीपीएल होता था, दूसरा एपीएल होता था और तीसरा जो है व्हाइट कार्ड होता था। व्हाइट कार्ड उन लोगों का होता था जो लोग अबव 1 लाख थे, उसके बाद जिनका लेस देन 1 लाख था वो लोग थे, और आखिरी जो था वो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हम 60,000 से नीचे के लिए जो लोग थे उनको राशन मिलता था। अब उसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी गई महाराष्ट्र में, और उन्होंने ये किया कि जिन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन राशन मिलता था, जिनको लेस देन 60,000 होने के बाद उनको 35 किलो राशन बिलो पॉवर्टी लाइन को हर महीने राशन मिला करता था। अब जो नई स्कीम लाई इन्होंने, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नाम को बदल दिया और उनको कह दिया प्राधान्य घट। अब ये प्राधान्य घट को हर फर्द को, एक आदमी को 3 किलो गेहूं, 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता है। तो इन्होंने पूरी स्कीम बदल दी। अब घर में जितने लोग हैं उतना राशन मिलेगा। आपके घर में 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो जितने लोग हैं उसके हिसाब से आपको 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता है। ये प्राधान्य घट के लिए है। अब इन्होंने इसके अलावा बाकी जितने लोग थे उन सबको राशन बंद कर दिया। अब उसमें हुआ ये कि महाराष्ट्र में नियर अबाउट 1,77,00,000 लोगों का राशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब इन्होंने अपने बजट में गरीबी को कम करने के लिए हमारा राशन ही बंद कर दिया और यह बताया कि महाराष्ट्र में गरीबी बड़ी तेजी से खत्म हो रही है। इन्होंने गरीबी रेखा का डेफिनेशन बदल दिया, इन्होंने गरीबों को देने वाली फैसिलिटीज बदल दी और यह बता दिया कि अब गरीबी महाराष्ट्र में कम हो रही है। यह आंकड़ों का खेल था जो सरकारें खेला करती हैं। अब महाराष्ट्र में इसके बाद हम गए हाईकोर्ट में, हमने हाईकोर्ट में केस किया कि भैया ये 1,77,00,000 लोगों को आप क्यों काट रहे हो। पिछले 5 सालों से हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, मेरा वो केस जारी है। लेकिन बड़ी हद तक वो हमारे लिए फेवरेबल है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये जो दूसरा तबका है जिसको पहले एपीएल कहा जाता था, अब उस एपीएल को बहुत जल्द राशन शुरू हो जाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं कि आपको एवरी ईयर ये लिखकर देना हर साल कि मेरी इनकम 59,000 से कम की है, तब जाकर आपको राशन मिलेगा, वरना आपको राशन नहीं मिलता। अब ये मजबूर करते हैं हमको झूठ बोलने के लिए। बंबई में 60,000 रुपए में कोई जी नहीं सकता, 60,000 रुपए की इनकम में कोई जी नहीं सकता, लेकिन सरकार हमसे मजबूरन हमको कहती है कि आप लिखकर दे दो, आपका क्या जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप सिर्फ लिखकर दे दो हम दे देंगे आपको। लेकिन ये झूठ बोलना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। हमारी लड़ाई इस पॉलिसी को बदलने की है, हमारी लड़ाई पूरी बीपीएल की पॉलिसी को बदलने की है कि जो इन्होंने गरीबी रेखा का पैमाना बनाया है वो पैमाना ही गलत है, उस पैमाने को बदलने की जरूरत है। अब जब बीपीएल का पैमाना आपने गलत बनाया तो उसका नतीजा यह हुआ कि आपने जो है राशन की पूरी स्कीम को बदल के रख दिया। महाराष्ट्र में हम कई दिनों से यह डिमांड करते रहे कि भैया हम जो कंप्लेंट करते हैं उसकी सुनवाई कहां हो। तो अब जो है बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद, हमारे कुछ साथियों ने बहुत मेहनत की है, महेश कामले जी जैसे लोग मेरे साथ में बैठे हुए, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की और अब जाकर महाराष्ट्र में फूड कमीशन बन गया है। अब ये फूड कमीशन तो बन गया, लेकिन ये वही जो है वो दिखावे का दांत है
जिसमें अब तक कोई ताकत दिखाई नहीं देती। ये वो दांत है जिसके जरिए किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो अब तक राशन ऑफिसरों पर, अब तक राशन के दुकानदारों पर कोई सख्ती हो नहीं पा रही। लेकिन अगर आपने जिस तरह की कंप्लेंट पहले की है, इसी तरह की कंप्लेंट बार बार करते रहे, तो ये पोजीशन बदलेगी। अब हम थोड़े ही दिन पहले, दो दिन पहले हमने जो फूड मिनिस्टर के साथ में मीटिंग की है, आज के मीटिंग के लिए हमने उनको बुलाया भी था, हमने उनको बताया था कि बहुत सारी कंप्लेंट आपके ताल्लुक से है, मेजोरिटी कंप्लेंट गरीबों की फूड के ताल्लुक से है, लेकिन उसके बावजूद देखते हैं कि उनकी तरफ से कोई आता है कि नहीं आता है। लेकिन पर्सनली मिलकर हम उनसे ऑलरेडी बात कर रहे हैं, ये 1,77,00,000 लोगों के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने एक नया स्कीम लाई है कि आप महाराष्ट्र में कहीं भी रहो, आपके राशन कार्ड पर, आप बंबई के रहने वाले हो और मैं अगर औरंगाबाद चला गया उस महीने, तो मेरा राशन औरंगाबाद की राशन की दुकान पे मुझे भरपूर मिलता है। ये बात आप लोग याद रखिए कि आप महाराष्ट्र के किसी भी शहर में रहे, आपको राशन कार्ड की दुकान पर राशन आपका पूरा मिलेगा, वो आपको रोक नहीं सकता। आपके पास राशन कार्ड में नंबर है, आप उस नंबर को दबाइए, इस महीने आपके नाम पर कितना राशन लिया गया आपको मालूम पड़ता है आरसी नंबर के जरिए। यह पूरी लड़ाई खड़ी करने की जरूरत है, क्योंकि यह राशन दुकानदार जो आपका राशन हर महीना खाते हैं, आप लगातार अपने आरसी नंबर को चेक कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा आपको तो मिला 2 किलो गेहूं, लेकिन आपके नाम पर 10 किलो गेहूं निकाला जा चुका है। तो आपको रेगुलरली अपना आरसी नंबर चेक करना चाहिए, आरसी नंबर के थ्रू दुकानदार को बताइए कि मेरा राइट इतना है, मुझे इतना राशन मिलना चाहिए, और बहरहाल अगर नहीं मिला तो मैं अपनी कंप्लेंट करने के लिए खड़ी हूं। हर राशन की दुकान में एक कंप्लेंट बुक होती है, हर राशन की दुकान में एक कंप्लेंट बुक होती है। आप राशन की जो भी कंप्लेंट आपकी है उस बुक में लीजिए। अगर किसी दुकानदार की 5 से ज्यादा कंप्लेंट हुई तो उसके ऊपर सीरियस एक्शन होता है, और अगर ज्यादा कंप्लेंट हुई तो दुकानों को ताला भी लग सकता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट या तो उसकी बुक में वही कर दीजिए, और कई मरतबा राशन दुकानदार आपको जब अगर कंप्लेंट करने के लिए बुक ना दे, तो आप रिटर्न कंप्लेंट राशनल ऑफिसर को कीजिए, मुंबई में कंट्रोलर को कीजिए, ये सारे लोग आपकी कंप्लेंट सुनने के लिए बैठे हैं, उसकी एक कॉपी हमको भी प्रोवाइड कीजिए। बहरहाल आप भी लड़िए, हम भी आपके साथ में पूरी मदद के साथ में खड़े हैं। हमारे वो तमाम मेंबर जो चाहे भिवंडी में रहते हो, कल्याण में रहते हो, या मुंबई के किसी इलाके में रहते हो, ये लगातार राशन ऑफिस के साथ में जुड़े हुए हैं, और उनकी कंप्लेंट्स को उनके सीनियर तक ले जाना और लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक नया प्रोसेस अभी और भी आ रहा है कि महाराष्ट्र में सारे राशन की दुकानों पर घासलेट को बंद कर दिया जाएगा। यह भूमुक्त, मतलब धुएं से मुक्त करने के लिए महाराष्ट्र में राशन जो है पूरा बंद कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये राशन की दुकान से जब घासलेट को बंद करेंगे, तो उसके बदले में हर घर को जो है वो गैस का चूल्हा मिलना चाहिए, गैस मिलना चाहिए। ये पूरी एक नई लड़ाई सब शुरू होगी। बहरहाल आपसे उम्मीद है कि आप इस पूरी लड़ाई में हमारी मदद करेंगे, और ये राशन की पूरी लड़ाई को जो है ताकत के साथ में आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा कि मैंने अपनी बात की गुफ्तगू में कहा था कि महाराष्ट्र के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बच्चों के मेल न्यूट्रिशन का है, और ये मेल न्यूट्रिशन की असल वजह यह है कि राशन की दुकान से 2 वक्त का राशन नहीं मिलता। आपसे मैंने जो बात पहले कही थी कि ये भारत देश एक वेलफेयर स्टेट है, यहां पूरा साइकिल है, मां के पेट में बच्चा आने से लेकर उस बच्चे की मौत तक उसके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा दस्तूर देता है, हमारे संविधान ने उसकी गारंटी दी है, और हमारी पूरी पॉलिसी मां के पेट में बच्चा आने के बाद उसके लिए जननी सुरक्षा योजना, वो अपनी दवाइयां ले, अपने आप को हेल्दी बनाए, उसके जो एसवी कम हो जाती है उसको वो अपडेट करने के लिए दवाइयां ले, डिलीवरी के टाइम पे उसको पेमेंट मिलता है ताकि वो मां अपने आप को सेहतमंद बने, बच्चा 3 साल का जब होता है तो उसको जो है खाना शुरू हो जाता है 1 वक्त का, स्कूल की उसकी पढ़ाई फ्री शुरू होती है, उसके बाद उसके लिए जॉब गारंटी है, ऐसे पूरी सीरीज है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए हेल्थ स्कीम है, सारी स्कीमें इंडिया के अंदर अवेलेबल है। मतलब मैं ये कहता हूं लोगों से कि लोग हमसे कहते हैं कि अरब में जाए तो ये मिलता है, अमेरिका में जाए तो ग्रीन कार्ड मिलता है, मैं कहता हूं कि अगर आप इंडिया में आपकी पैदाइश होती है तो आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए हर स्टेज पर जाकर लड़ना पड़ता है। यह सबसे अफसोसनाक बात है। मेरे अधिकारों के लिए जिसमें मेरा हक है
उसके लिए मुझे लड़ना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ऐसा समाज बने जिस समाज में किसी लड़ाई के बगैर, किसी से कोई झगड़ा किए बगैर, किसी की कोई कंप्लेंट किए बगैर मुझे बड़े सुकून के साथ में मेरा अधिकार मिले। हम उस समाज की उम्मीद करते हैं और यह पूरी कोशिश है हमारी। ये एमपीजे के ताल्लुक से हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप कहेंगे कि भाई एमपीजे ठीक है आज कंप्लेंट कर रही कल क्या, तो हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक समाज में जो इंसाफ कायम ना हो जाए। जिस दिन समाज में इंसाफ कायम हो जाएगा मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि एमपीजे का काम खत्म हो जाएगा। हमें अपने आप को कहीं और किसी कामों की तरफ लगा देना होगा और अपने आप को यहां से समेटना होगा। अभी फिलहाल हम जिस पर बात कर रहे थे, हम राशन पर बात कर रहे थे मेरे साथियों, राशन बहुत सीरियस मुद्दा है। आप दुनिया के किसी भी कंट्री के अगर सीवियर प्रॉब्लम्स को चेक करेंगे तो आप लोग उसको सबसे पहला जो चीज मिलेगी वो उसकी फूड होगी। भारत की फूड की कंडीशन मैंने जैसे पहले बताई कि दुनिया के 117 मुल्कों में जहां भूख के वाकयात हैं, उसमें दुनिया के 117 कंट्री में भारत का नंबर 102 पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर 102 पर है। आप समझ सकते हैं कि हम कितने नीचे के लेवल पर हैं। और हम जिनको बहुत ही अपने से नीचा समझते रहे, चाहे वो भूटान हो चाहे वो नेपाल हो, वो सब हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो एक इतना विशाल देश जिसकी इतनी सारी उसके पास प्रॉपर्टीज हो, जो इतना इनकम वाला देश हो और वहां की जनता भूख से मरती हो, वो गाना आप लोगों ने सुना होगा कि भूख भूख करती मर गई। तो ये वाकया किसी एक गांव का नहीं है, बल्कि आप भारत देश के हर शहर में इस तरह के भूख के वाकयात को देख रहे हो। तो यहां बैठे हुए सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये भूख की लड़ाई को आपको अपनी जिंदगी का मकसद बनाना है और इस मुल्क में जब तक तमाम लोगों को अपना अधिकार ना मिल जाए तब तक इस लड़ाई को जारी रखना है। इस बात के साथ में मैं अपनी बातों खत्म करता हूं। वाखिर दावान अलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन।